पुश्तूनख्वा वतन में, आप सिंध में, आप पंजाब में छोटे बच्चों को, इमरान के हो किसी और पार्टी के हो, बुजुर्गों को, उनकी माओ को, कुछ को खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। बच्चों के कपड़े निकालते हो, लोगों की माओ की भी इज्जती करते हो, लोगों के बापों की भी इज्जती करते हो, लख तुम्हारी हुक्मरानी पे। इस तरह होती बात, इस तरह हुक्मरानी की जाती है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे कोई खारजी फौज काबिज होती, कोई खारजी मुल्क कब्जा काबिज होता, तो यही कुछ करता हमारे साथ, क्या हमारे कपड़े उतारता, हमारी माँ बहन की बेइज्जती करता, हमारे बच्चों के कपड़े निकालता। उस ऐसी फौज या ऐसी हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज है। अगर जबर की कुव्वत है बाज ना आए, फिर दमादम मस्त कलंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर। अशकजई साहब को उस वक्त बलोच इलाकों से अकबर खान बुकची के बड़े भाई थे, वो यहाँ नजरबंद थे जो में, अब्दुलरहमान बुकची और मशहूर मारूफ अजीज मक्सी, जिनके नाम पे फिर अब्दुल समद खान अशकजई ने कोयटा में 1938 में पहला छापाखाना अजीज प्रिंटिंग प्रेस के नाम से शुरू किया, और 39 में एक हफ्त रोजा अखबार जिसका नाम इस्तिकलाल था उसकी बुनियाद रखी। तो ये तारीख का वो है, ये जदलियाती उसूल है, वो मशीन जिससे वतन की आजादी की इब्तिदा हुई थी। आज फिर पता नहीं कितने साल बाद एक ऐसा इतिहाद बना है जिसकी बुनियाद किसी हुकूमत को गिराना नहीं, किसी को इख्तियार में लाना नहीं, बल्कि जिसका मंतहा मकसूद ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। आइन कौमों के दरमियान, अवाम के दरमियान एक इमरानी मुहिदा होता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पैदा करा, इसमें हम पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराय की अपने अपने मदर वतन पे आबाद है। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं, यहाँ कोई किसी का आका नहीं, हम सब इंसान हैं, हम बराबर हैं। जब से रब्बुल आलमीन ने इस जिंदगी की बुनियाद रखी है तो दो कुव्वतों में जंग जारी है, हक और बातिल, सच और झूठ। आज जो इत्याद हमने बनाया है उसका मुंतहा मकसूद ये है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होगी। हम किसी को गालियां नहीं देने आए, हर वो जर्नेल, हर वो जज, हर वो जर्नलिस्ट, हर वो सियासी लीडर, हर वो मुबल्लिग़े दीन जो आइन की बालादस्ती पे यकीन नहीं रखता उसके हम कहते हैं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद वो जर्नेल, मुर्दाबाद वो जज, मुर्दाबाद वो आलिमे दीन, मुर्दाबाद वो सियासी कारकुन जो आइन की बालादस्ती पे यकीन न रखता हो। हमने अलम बगावत बुलंद नहीं किया है, हमने हक और सदाकत का, जुल्म के खिलाफ मजलूम का साथ देने के लिए हमने जो झंडा उठाया है वो किसी को इख्तदार से हटाना और किसी को इख्तदार में लाना नहीं। मैं वाजे तौर पे कहना चाहता हूँ, पश्तूनों की तरफ से भी, सिंधियों की तरफ से भी, बलोचों की तरफ से भी, सराकियों की तरफ से भी, और गरीब पंजाबियों की तरफ से भी, हम उस पाकिस्तान में एक मिनट के लिए रहने के लिए रवादार नहीं है
जिसमें हमें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाएगा, जिसमें हमें गुलाम समझा जाएगा, जिसमें हमारे वतनों पे कब्जा करके पाकिस्तान के नाम पे नजरिया पाकिस्तान पे नाम पे लूटमार किया जाएगा। पाकिस्तान इन पांच आदमियों भाइयों का मुल्क है, बलोच, सिंधी, पश्तून, सरायकी, पंजाबी। हमारे साथ अखिलियतें भी रहती हैं। हम तमाम जजों को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान के उन तमाम जर्नलों को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान के तमाम उलमा को अपील करते हैं, हम पाकिस्तान में उन तमाम जर्नलिस्टों को अपील करते हैं जो आईन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि वो आए और इस तारीख में शामिल हो। हमने ये तारीख इसलिए शुरू नहीं की, यहाँ 144 वो उर्दू में पता नहीं किसका शेर था, शेर है या मिसरा है, याद आ जाएगा। कहते हैं 144 मौलाना साहब सुनी तारीख या काबरी, हमारे बाहर से आए हुए तारीख इंसाफ के दोस्त जो कि पिशीन के खाक से निकला उमर अयूब ददिये जैतरिन दी ददिये इलाके से चल रही है, ददिये वतन से चल रही है जिजानो उमर अयूब भाई। हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन हमने बार बार कहा है, आज आपके सामने हम उसका तकरार जरूरी समझते हैं। यानी ये कैसा मुल्क होगा जहां 144 की खिलाफ वर्जी पे आप पंजाबियों को भी गोली से मारते हैं, आप सिंधियों को भी गोली से मारते हैं, आप बलोचों को भी गोली से मारते हैं, आप वतन के सियासी लोगों को गोलियां मारते हैं कि तुमने 144 की वर्जी खिलाफ वर्जी की है, और जर्नेलों को ये आयाशी दी जाएगी कि वो आइन को रोन दे लख ऐसी सियासत पे, लख ऐसी सियासत पे गरीब पाकिस्तानियों का कत्ल 144 की खिलाफ वर्जी पे जायज होगा, और तुम जर्नेल साहिबान बिस्मिल्ला जब जी चाहे पाकिस्तान के मुत्तफिक आइन को रोन दो। आप मुझे हमें गदार कहें, आप मुझे जब जो कुछ कहें, पाकिस्तान के आईन ने गद्दारी की तारीफ लिखी है। पाकिस्तान का आईन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आईन को सस्पेंड करता है, जो आईन को दरखोर इतना नहीं समझता, जो आईन को तोड़ता है। हम इस मुल्क के वो बच्चे हैं, हम इस मुल्क के उन बहादुर सपूतों के औलाद हैं कि हमने हर वक्त यहाँ खारजी कब्जों की मुखालिफत की है। शाहबाज भाई, ये आपके इर्द गिर्द जो बलोच बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो पंजाब के लोग बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो साग की बड़े खानदान बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो बड़े बड़े पश्तून बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ भी थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, यही लोग मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, यही लोग लियाकत अली के साथ भी थे, यही लोग गुलाम अहमद के साथ भी थे, यही लोग जनरल अयूब के साथ भी थे, यही लोग भुट्टो के साथ थे, यही लोग जियाउलहक के साथ थे। ये वो परिंदे हैं जो जिस बिल्डिंग पे बैठते हैं वो बिल्डिंग कंडर बन जाता है। ये उल्लू की तरह पाकिस्तान में ऐसे खानदान, मैं किसी को माफी चाहता हूँ, मुझे हर आदमी की माँ अजीज है, मुझे हर आदमी का खानदान अजीज है, लेकिन एक बात सियासी कारकुनों नोट कर लो, चाहे किस इंसाफ के हैं आप, वादतुल मुस्लिमीन के हैं, सुन्नी तारीख के हैं, पीपल पार्टी के हैं, जिसके भी हैं आप, यहाँ ऐसे खानदान बसते हैं बलोचों में
ऐसे खानदान बसते हैं पंजाबियों में, ऐसे खानदान बसते हैं सिंधियों में, ऐसे खानदान बसते हैं सरायकियों में जो बिल्कुल सही इस दरख्त की तरह एवरग्रीन हर इख्तदार के साथ होते हैं। ये फसली बटेरे मैंने मेहनत की थी नवाज शरीफ की, मैंने मेहनत की थी फजल रहमान की, मैंने मेहनत की थी तारीख इंसाफ के भाइयों की कि खुदा के लिए इन एवरग्रीन दरख्तों को सियासत से उम्र भर के लिए फारिग कर दो, इन पे पाबंदी लगा दो अगर हमने पाकिस्तान को बनाना है। मैं आज आज उठा ले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आज भी बलूचिस्तान हुकूमत में वो लोग हैं जो हर हुकूमत में उनके साथ है। ये फसली बटेरे जब 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 देखते हैं कि फलानी की का इख्तदार आ रहा है, इमरान वजीर आजम बन रहा है, ये सब उड़ के इमरान की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इमरान को ये वादा देना होगा, हमारे वादा तो मुस्लिमीन को वादा देना होगा, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी को यह वादा देना होगा, अख्तरजान मेंगल को यह वादा देना होगा कि हम इन फसली बटेरों को सियासत में कतन कभी भी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी। सुभान शेर था दूसरा था, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरे केर, चुचुंदर के सर में चंबेली का तेल। एक जर्नेल ने लंदन में सियासी पार्टियों के एक इकट को सबोटाज करने के लिए हमारी एक पार्टी पीपल्स पार्टी को ऑफर दिया कि भाई आप इस इकट में शामिल ना हो, जो आप चाहते हैं हम आपको देंगे। बदकिस्मती से बेनजीर भुट्टो के गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको मजबूर किया और वो एनआरओ के नाम से, वो भी तो शातिर सियासत कारकुन थी, उन्होंने जनरल साहब से कहा कि हमारे 25 साल के केसेस आप खत्म कर दें। बिल्कुल 36 सदी ईस्वी के बादशाहों की तरह एक डिक्टेटर ने 25 साल के उनके तमाम केसेस विड्रॉ किए और क्या हुआ, 9000 क्रिमिनल केसेस, 9000 क्रिमिनल केसेस जिसमें कत्ल भी शामिल था, डकैती भी शामिल थी, अगवाकारी भी शामिल थी, बैंक लूटना भी शामिल था, लोगों को बेइज्जत करना भी शामिल था। जनरल साहब ने हुक्म दे दिया 9000 केस विड्रॉ हुए। 9 मई को क्या आसमान गिरा है, 9 मई को क्या आसमान गिरा है, जब आप 9000 केसेस विड्रॉ करेंगे आपके बाप को हम सारे केसेस आपको विड्रॉ पढ़ने खड़े बनेंगे। आपने पार्लियामेंट इमरान जो भी था कल आज वो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत पार्टी का रहबर है, ये उसका हक बनता है, इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रॉ करें। हमने बार बार कहा था इन जर्नेलों को, वो पंजाबी का वो है मेरे कहा था मेरे के बाबा नचण मलंगानू, नचण मलंगानू, हमें मत छेड़ो हमारे इलेक्शन में, कर्नल फलाना ब्रिगेडियर फलाना आपने हमें छेड़ा, हम आवाम की असेंबली में आ गए हैं, है इस आवाम की असेंबली की ताकत से इंशाअल्लाह रहमान, मुझे मेरा ईमान है इस आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह हमने इन तख्तों को इन बड़े बड़े दरियाओं को हमने गिराना है और यहाँ इंकलाब लाना है, ऐसा इंकलाब आवाम की बादशाही होगी जहाँ किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, एक फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ बात नहीं करेगा, गलत बात, सब फिरके सब कौमें सब दोस्त एक बेहतरीन पाकिस्तान में। साईं मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ
मैं हमारे छोटे छोटे खिलाफात हैं बलूचों के साथ, मामूली हल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल, मैं सारे बलूचों का मामा हूँ, मैं सारे सिंधियों का मामा हूँ, मैं सारे पंजाबियों का, सारे सराचियों का मामा हूँ। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कुरान शरीफ, कुरान करीम के पेजेस पे। आप बलोच आवाम को उनके साइल वसाइल पे आईनी इख्तियार दे दें कि उनके साइल और वसाइल पे पहला हक बलोचों का होगा। यही हक आप सिंधियों को दे, यही हक आप इसराइलियों को दे, यही हक आप गरीब पंजाबियों को दे। पाकिस्तान क्यामत तक जिंदाबाद होगा और उसका झंडा मैं और अख्तर लेके आगे बढ़ेंगे। एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील, एक बेहतरीन पाकिस्तान की तश्कील, जहाँ फर्द का फर्द पे जुल्म न हो, जहाँ एक तबके का दूसरे तबके पे जुल्म न हो, जहाँ एक अकीदे का या एक फिरके का दूसरे फिरके पे जुल्म न हो। ये पाकिस्तान चलेगा भी और पाकिस्तान क्यामत तक जिंदा होगा। बात हो रही है यक बेदार रहो, पंजाबी पश्तून सिंधी बलोच सब बेदार रहे। आपका मदर है वतन, बलोच का मदर है वतन, सिंधियों का मदर है वतन। अफगानिस्तान और ईरान इर्द गिर्द का खिता दुनिया जहान के आपके इन खजानों के लिए लोग आपके खित्ते को एक मैदान जंग बनाना चाहते हैं। बेदार वो सही तालिबान हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान, ईरान के हुक्मरान, हम सब की अकल का इम्तिहान है। हम ये ऐलान करना होगा कि हम दुनिया के ये जो मस्तान है, ये जो दूसरे वतन को लूटने के लिए जंगे मुसलत करते हैं, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हमने अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इस खिते में हम किसी पागल जर्नेल को, हम किसी वतन फिरोश वजीर आजम को, हम किसी फतवा फिरोश मुल्ला को, हम किसी बेइज्जत तबलीगी को इस मुल्क पे जंग मुसलत करने किसी को नहीं देंगे। यह हमारा मुल्क है, यह हमारा मुल्क है। हम अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ जियो और जीने दो की बुनियाद पे एक ऐसे खत्ते की तश्कील करना चाहते हैं जिसमें सब इंसान मजे से जिंदगी करें। तारिक इंसाफ के बहादुर बच्चों, चीखो पुकार नारे ये भी होंगे, बात अभी ये है मेरे भाइयों, अपने सफे हमने सीधी करनी है, हमने मेहनत करनी है लोगों की, हमने यहाँ एक बेहतरीन पाकिस्तान की तश्कील करनी है। और अगर जबर की कुवतें बाज ना आए, फिर दमादम मस्त कलंदर, फिर दमादम मस्त कलंदर। ये इस तश्कील का मुंतहा और मकसूद है। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं पाकिस्तान के पुलिस अफसरान, चाहे पश्चिम के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे सिंध के हैं, चाहे उसके हैं, मेहरबानी करें, आप इस मुल्क के पुलिस वाले हैं। आप पुश्तूनख्वा वतन में, आप सिंध में, आप पंजाब में छोटे बच्चों को, इमरान के हो, किसी और पार्टी के हो, बुजुर्गों को, उनकी माओं को, कुछ को खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। बच्चों के कपड़े निकालते हो, लोगों की माओं की भी इज्जती करते हो, लोगों के बापों की भी इज्जती करते हो, लख तुम्हारी हुक्मरानी पे। इस तरह होती है बात, इस तरह हुक्मरानी की जाती है। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे कोई खारजी फौज काबिज होती, कोई खारजी मुल्क कब्जा काबिज होता, तो यही कुछ करता हमारे साथ, कि हमारे कपड़े उतारता, हमारी माँ बहन की बेइज्जती करता, हमारे बच्चों के कपड़े निकालता। ऐसी फौज या ऐसी हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज है,
इसके खिलाफ उठना जायज है। पुलिस वालों याद रखो, तुम पाकिस्तान के पुलिस वाले हो, बिल्कुल हमें जेल ले जाओ, हमारे बच्चों को जेल ले जाओ, हमारे बाप को जेल ले जाओ, हमारे चाचाओं को जेल ले जाओ, लेकिन एहतराम इंसानियत का ख्याल रखो। ये हुकूमतें आती जाती होंगी, डिप्टी कमिश्नर साहब रेस्ट हाउस में, हमारे रेस्ट हाउस में मेहमानों का खाना था 50-60 आदमियों का, आपने उस पर पाबंदी लगा दी। अगर अभी अभी इस वक्त अभी इस वक्त ये इतिहाद इस आवाम को कह दे कि जलाद डीसी के दफ्तर को तुम कहां भागोगे, मत तंग करो लोगों को, मेहरबानी मत तंग करो बच्चों को, दुनिया में बच्चे, दुनिया में हुकूमतें अपने बच्चों की जज्बा हुर्रियत को उभारती हैं। ये बदबख्त मुल्क जज्बा हुर्रियत को फूटता है, जो बिकाऊ माल है वो असेंबली का मेंबर बन जाता है, जो बिकाऊ माल है वो सीनेट का मेंबर बन जाता है। मौलाना साहब, आप चूंकि उम्र में बड़े, हम सब के बाकी से मौलाना साहब, बात ये है हम पागल नहीं है, हमें अपनी माँ अजीज है, अपने बहन अजीज है, दूसरों की माँ बहने हमें अजीज है। लाहौर के एक शरीफ वकील ने कहा कि मुझे फलाने इदारे के आदमी ने कहा कि ठीक रहो, हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी बहन कहाँ है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। खुदा को मानो, अगर हमारी माँ बहने हैं, आपकी भी माँ बहने हैं, वो दिन मत लाओ इधर। पाकिस्तान के आवाम को मजबूर न करो कि वो दिन आए कि कोई सरकारी मुलाजिम सरकारी वर्दी पहन के गली कूचे में ना फिर सके, ना फिर पुलिस की वर्दी चलेगी, ना फलाना की चलेगी, ना फलाना की। आए आए पाकिस्तान को, आए पाकिस्तान को एक जमहूरी पाकिस्तान बनाए। लगे हुए हैं फलाने जनरल को एक्सटेंशन दे दो, फलाने जज को एक्सटेंशन, क्यों क्यों, किस लिए किस लिए? पाकिस्तान में किसी भी महकमे में, फौजी हो सिविलियन हो, किसी भी महकमे में कोई भी एक्सटेंशन कानूनी तौर पे बंद होनी चाहिए। शाहबाज साहब ठीक है, हम इकट्ठे रहे हैं साथ में, वोट को इज्जत दो बेहतरीन स्लोगन था, आप और आपके साथियों ने जो कुछ शुरू कर रखा है, मुझे भी कहा गया कि इनका पूछो इनके बच्चे कहाँ, बाबा खुदा को मानो, बाबा ना छेड़, इन बातों को ना छेड़, जो हाथ हमारी बाप बहन बेटी बच्चों की तरफ बढ़ेगा हम उसको काट के रख देंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, कोई ये बदमाशी नहीं करेगा। फौजी जिंदाबाद, अपने फौज का हल्फ है, हर फौजी चाहे सिपाही हो, चाहे कर्नेल हो, चाहे जनरल हो, उसका हल्फ है कि मैं पाकिस्तान का दिफा करूंगा और मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। हम दुर्दश बस्ता हाथ जोड़ते खुदा के मां, खुदा के लिए, कुरान के वास्ते रहम करें इस मुल्क पे और अपने हल्फ का ख्याल रखें। आए फिर मैं आगे होऊंगा, उमर अयूब मेरे पीछे होगा, ये सारे उलमा होंगे, हम आपको सलूट करेंगे, सलूट करेंगे, और अगर आप हमारी बेइज्जती करेंगे हम आपको वो छन्ने छुपवाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आठ महीने से मैं नहीं कहता, बिल्कुल बिस्मिल्ला, पाकिस्तान में मिनरल्स हैं, पाकिस्तान में बेहतरीन दुनिया के, लेकिन खुदा के लिए इन मिनरल्स के जहां जहां जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस मिल्लत में, जिस सूबे में वो नियामतें हो, उनकी आवाम से पूछा जाए, उनको शरीक इख्तदार किया जाए, उनको हिस्सेदार बनाया जाए, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कोई सऊदी शहजादा आता है, कोई अमरीकन आता है, कोई जर्मन आता है, आए हमारे वतन की जो अल्लाह पाक ने नियामतें हमें दी हैं, हमें
दे हमें ताकि हम भी एक नए पाकिस्तान, अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, जिंदगी करें। ये जिंदगी ऐसी नहीं चलेगी मेरे भाई, हमें दम क्या मत तो आराम से, हम बड़े मिलनसार लोग हैं। नजरिया पाकिस्तान हमारा मकरूज है, नजरिए के नाम पे आपने दर्जनों सैकड़ों पिछड़ों को कत्ल किया। इसी नजरिए की बुनियाद पे 144 की खिलाफ वर्जी में आपने बलोचियों को, सिंधियों को, पता नहीं पंजाबियों को कत्ल किया है। हमने फिर भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। हम अपने आवाम की ताकत से, अपने अहल राय लोगों की अक्ल व फहम के इकट्ठी कलेक्टिव विजडम इज्तिमाई दानिश के जरिए हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसे बेहतरीन गुलदस्ते में पेश करेंगे जिसमें बलोच भी खुश होगा, सिंधी भी खुश होगा, पंजाबी भी खुश होगा, पठान भी खुश होगा और शेर अफजल मरवत भी खुश होगा।